अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाक बंगाल रिएक्ट। मेरा नाम अहमद बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे प्यारे भाई ने सजेस्ट किया था हमें, तो आज वो टॉपिक लेके आए हैं। सलमान भाई, आज क्या टॉपिक है हमारा जिस पे हम रिएक्शन देंगे? आज है भाई पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम, हीरो ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मतलब ये जो सैफुल आजम थे, ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इसका मुझे समझ नहीं आया, ये क्या बात यार है? ये मैंने थोड़ा बहुत इसका पढ़ा है, ये आई थिंक हाँ, ये रहते मतलब पैदा बांग्लादेश में हुए थे, सही है, और फिर पाकिस्तान में तालीम हासिल की, सही, वहाँ पे ये आके पायलट बने। मतलब पाकिस्तान में ही पायलट बने, ये पाकिस्तान में जॉब की पायलट, मतलब ये मतलब पैदा सिर्फ बांग्लादेश में हुए। अच्छा, ज्वाइन जो है ना एयरफोर्स पाकिस्तान की। तो मतलब ऐसा कि आज हम सैफुल आजम के कारनामे में देखने जा रहे हैं, और आई थिंक ये मेरे ख्याल में एयरफोर्स में पायलट रह चुके हैं, और बहुत बड़े हीरो है यार, गुमनाम हीरो ऐसे समझ लो, इनका भी नाम खत्म हो गया। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है कि यार हम दूसरे को हम जानते हैं काफी सारे यार। ये तो फिर फख्र की बात है हमारे लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि बांग्लादेश के हैं ये बेसिकली, और उसके बाद पाकिस्तान में आए हैं और वो उन्होंने अपनी स्टडी मुकम्मल की, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुए। ऐसे ही तो उन्होंने जो कारनामे, एक अच्छे पायलट की हैसियत रखते हैं। अब देखते हैं उनके कारनामे क्या है या उनकी बहादुरी क्या है, वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राशिद मिनास, सितार एलवी, एमएम आलम और सरफराज अहमद रफ़ीकी जैसे हीरोज़ के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारा एक मुजाहिद ऐसा भी था जिसने अरब इसराइल वार में किसी भी पाकिस्तानी पायलट्स में से सबसे पहले इसराइली जेट तबाह करने का एजाज़ हासिल किया था। दोस्तों, 72 घंटों में एयर टू एयर कॉम्बैट में 3 इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है, और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका, और इसी 6 दिन की जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है, और इसके अलावा इनके पास 3 मुख्तलिफ ममालिक के लिए लड़ने का एजाज़ भी है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये अपने सीने पर सबसे ज़्यादा बैज सजाने वाला पायलट है तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लकब पाने वाले जानबाज पायलट सैफुल आजम की, जिनके एहसानों को अरबों ने तो भुलाया ही भुलाया, लेकिन हमारी नस्ल तो इनके बारे में जानती तक नहीं है। सैफुल आजम 1941 को ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ज़िला पबना के गांव कगरबारिया में पैदा हुए। मशरकी पाकिस्तान से सानवी तालीम हासिल कर लेने के बाद वो 1955 में मगरबी पाकिस्तान आ गए, और आला तालीम हासिल कर लेने के बाद 1958 में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर ज्वाइन कर ली, और 1960 में PAF के GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। इसी दौरान इन्होंने एक लॉयर निशत से शादी कर ली। दोस्तों, इन्होंने सेसना T-37 की तरबियत हासिल की, और उस वक्त के जदीद फाइटर F-86 सेबर की तरबियत हासिल करने के लिए इन्हें ल्यूक एयरफोर्स बेस एरिजोना अमेरिका भेज दिया गया। तरबियत हासिल कर लेने के बाद वो पाकिस्तान आए और 1963 तक सेबर तैयारे उड़ाते रहे। इसके बाद 1963 से 1966 तक PAF मसरूर बेस माड़ीपुर में T-37 के इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। दोस्तों, जब 1965 की पाक भारत जंग छिड़ी तो आजम को सरगोधा एयरबेस में स्क्वाडन नंबर 17 के सेबर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी जंग के दौरान आजम इंडिया में कामयाब ग्राउंड अटैक करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो इनकी फॉर्मेशन को इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स ने घेर लिया। इस डॉग फाइट में आजम ने 2 में से 1 अटैकर को तबाह कर दिया, जो कि फोलन नार्ड त्यारा था, और यूं सैफुल आजम ने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। इस तबाह होने वाले जेट के पायलट का नाम मायादेव था। इस कामयाबी के बाद सैफुल आजम को पाकिस्तान के तीसरे बड़े मिलिट्री एजाज सितारे जुरत से नवाजा गया। 1966 में आजम को दोबारा T-37 के इंस्ट्रक्टर और नंबर 2 स्क्वाडन की कमांड की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
नवंबर 1966 को PAF की तरफ से इन्हें एज एडवाइज़र रॉयल जॉर्डन एयरफोर्स भेज दिया गया। दोस्तों जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग छिड़ी तो आज़म जॉर्डन एयरफोर्स के लिए नंबर 1 स्क्वाडन के हॉकर हंटर तैयारे को उड़ा रहे थे। 2 दिन के दौरानिए के अंदर आज़म इसराइल की 2 एयरबेस पर अटैक में भी शामिल थे। इसी दौरान इनकी 2 इसराइली जेट से एयर टू एयर कॉम्बैट भी हुई, जिसमें एक इसराइली तैयारा तबाह हो गया और दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसराइली हदूद में क्रैश लैंडेड हुआ। 5 जून 1967 को इसी जंग में इन्हें उर्दन की मेन एयरबेस मफराक को इसराइली तैयारों से दफा के लिए बुला लिया गया। दोस्तों 12:48 पर 4 इसराइली डेसल्ट सुपर मेस्टेयर तैयारों ने मफराक एयरबेस पर हमला कर दिया। इन 4 तैयारों के साथ लड़ाई में आज़म भी शामिल थे। आज़म ने 2 इसराइली तैयारों को मार गिराया और तीसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों 6 जून को सैफुल आज़म को इराकी फ़िज़ाई अड्डों के दफा के लिए उर्दन पायलट्स के साथ इराक भेज दिया गया। यहां पर इनका सामना एक बार फिर इसराइली तैयारों से हुआ। 2 मिराज तैयारों के साथ मिलकर इराकी एयरबेस पर हमला कर दिया। एक मिराज पायलट कैप्टन गिडियन डेरर ने एक इराकी जेट तबाह किया, जिसके जवाब में आज़म ने इस जेट को मार गिराया। सैफुल आज़म ने इस हमले में शामिल वेटूर बॉम्बर को भी तबाह किया, जिसे कैप्टन गोलान उड़ा रहे थे, जो कि बाद में जंगी कैदी बन गए थे। इस जंग के बाद सैफुल आज़म दुनिया के वाहिद पायलट बन गए जिन्होंने 72 घंटों के अंदर अंदर 3 कन्फर्म्ड इसराइली तैयारे गिराए और ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। और इस जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। ये वो वाहिद पाकिस्तानी पायलट हैं जो पाकिस्तान के लिए भी लड़े, इराक के लिए भी लड़े और उर्दन के लिए भी लड़े। दोस्तों ये 6 रोज़ा जंग तो इसराइल जीत गया, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स के दिए गए जख्म आज तक नहीं भुला सका। सैफुल आज़म को जॉर्डन के ऑर्डर ऑफ इस्तकलाल और इराक की तरफ से मेडल ऑफ ब्रेवरी नतुल शजात से नवाजा गया। 1969 में आज़म ईस्ट पाकिस्तान वापस आए और फ्लाइट कमांडर बन गए। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इन्होंने बंगला एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। आज़म बांग्लादेश के लिए डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट सेफ्टी और डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के तौर पर खिदमात देते रहे। फिर इन्हें 1972 में ढाका एयरबेस की कमांड और ग्रुप कैप्टन पर प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों सैफुल आज़म 1979 में बांग्लादेश एयरफोर्स से रिटायर हुए, लेकिन मुल्क के लिए खिदमात देते रहे। 1980 में इन्हें सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया। सैफुल आज़म फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे और सियासत में भी हिस्सा लिया और 1991 से 1996 तक बांग्लादेशी पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। दोस्तों सन 2000 में अमेरिका की तरफ से इन्हें उन 22 लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया जो बेहतरीन पायलट थे, जिन्हें अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लकब दिया गया। दोस्तों अरब आवाम हमारे इस हीरो के बारे में नहीं जानती, हालांकि ये उनका भी हीरो है। इतने कारनामे करने के बावजूद भी इतनी गुमनामी की ज़िंदगी शायद ही किसी हीरो को मिली हो। और हैरत की बात यह है कि अरब मिलिट्रीज़ और अरब सकाफत में पाकिस्तानी शराकत का कभी भी जिक्र नहीं किया गया और ऑफिशियल अरब हिस्ट्रीज़ में भी हमारी खिदमात को भुला दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने कम अज़ कम 16 पायलट्स का दस्ता 1967 और 1973 की जंगों में उर्दन, मिस्र, शाम और इराक में रज़ाकाराना भेजे थे। दोस्तों इस गुमनाम हीरो के बारे में वीडियो बनाकर मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और अब आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बाकी यार बहुत ही कमाल के हीरो हैं। वैसे इनका नाम जैसे कह रहे थे ना कि गुमनाम हीरो हैं, वैसे ही है यार। इतने इन्होंने कारनामे किए हैं और इतने कंट्रीज की तरफ से ये लड़े हैं यार, वाकई में इनको एजाज मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे हीरो का आज तक, बल्कि अभी की जो हिस्ट्री है इसमें भी नाम आना चाहिए। तो ऐसे चाहिए किताबों में हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे हो, बच्चे बच्चे की जुबान पे हो यार, ये रियल हीरो है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए हीरो है, दोनों के लिए हीरो है। पहले मतलब पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए ही थे जब इकट्ठे थे, अलग-अलग हुए। हाँ, के लिए पहले थे मतलब यार ये है ना कि पहले इकट्ठे थे, सारा सिस्टम
इस वजह से पाकिस्तान में थे। जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलहदा हुए तो वो बांग्लादेश की एयरफोर्स उन्होंने ज्वाइन कर ली, उसके बाद उनके भी खिदमात बहुत ज्यादा बांग्लादेश के भी करते रहे, उसके बाद यारो उर्दन में गए, उसके बाद उन्होंने इराक की तरफ से जंग लड़ी, शाम की तरफ से लड़ी, यार ऐसे मतलब है कि कमाल की बात है, और कंट्रीज के लिए भी उन्होंने लड़ी, पाकिस्तान के लिए भी लड़ी, पाकिस्तान के लिए भी वो लड़े। तो यार देखें ऐसे हीरोज बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल यार देखो, वो तो मिनास याद है, ठीक है ना, एमएम आलम याद है, लेकिन इसका हमें नहीं पता। लेकिन यार वो मतलब जो है ठीक है, उनके भी कारनामे हैं, वो भी हीरोज हैं, लेकिन इनके हाँ रखना चाहिए, लेकिन ये मुझे लगता है कि इनके ज्यादा हैं कारनामे। यार वो है, लेकिन बात यह है कि ये भी बहुत हद तक जो है उन्होंने काम किया, लेकिन इसका पता नहीं है किसी को, लोग मतलब ये कि भूल गए। हाँ इस वजह से इन्हें ना नहीं समझा जाता खास। यार वैसे होना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है इस बात को लेके, बहुत ही कमाल की बात है यार, ये वाकई में रियल हीरो है, और मैं सलाम करता हूँ इनको। तो सलमान भाई आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे हीरोज के बारे में? यार मैं तो इनको सलाम पेश करूंगा यार, वाकई में मेरा भी दिल से सलाम है, मुझे बहुत खुशी होती है सलमान भाई। अब देखें कि यार नहीं पता था मुझे इस हवाले से ना, थोड़ा सा मैंने भी खास देखो अभी इस वीडियो अब देखें कि असल हकीकत जो है वो समझ आ गई है कि उनकी पैदाइश से लेकर अब तक मतलब उन्होंने जो कारनामे दिए हैं सब कुछ पता चल गया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज हमें सजेस्ट करते रहा करें, हमें हमारा दिल खुश करते रहा करें। इस वीडियो के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।